हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस के सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो उन एडिशंस को लेकर के है, चाहे वो एडिशन सेक्शन 68 में हो या 69 की फैमिली में हो, जहां पर रेवेन्यू को एंट्री ऑपरेटर्स की स्टेटमेंट्स मिलती हैं और उन स्टेटमेंट्स के बेसिस पर असेसिस को नोटिस इशू किया जाता है और कोई भी कॉरोबरेटिव एविडेंस रेवेन्यू के पास ऐसा नहीं होता, खाली उन स्टेटमेंट्स के अलावा जहां से यह सब्सटेंशिएट होता हो कि असेसी किसी बोगस ट्रांजेक्शन के अंदर इन्वॉल्व है। और कई बार तो ऐसी परिस्थिति होती है कि उन स्टेटमेंट्स में असेसी का नाम भी नहीं होता, लेकिन उन स्टेटमेंट्स को आधार बना करके असेसी का एडिशन कर दिया जाता है। और काफी सारी सर्कमस्टांसिस में जब रेवेन्यू असेसमेंट करता है और असेसी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उन ट्रांजेक्शन की आइडेंटिटी, क्रेडिट वर्थिनेस और जेन्युइननेस को प्रूव करने के लिए सबमिट कर देता है, तो रेवेन्यू उन सारे डॉक्यूमेंट्स को 3-4 महीने अपने पास रखे रहता है। जैसे ही असेसमेंट का एंड आने वाला होता है, रेवेन्यू फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी उन पार्टीज को सेक्शन 133 सब सेक्शन 6 का नोटिस इशू करता है। कई बार नोटिसेस सर्व नहीं हो पाते, क्योंकि ये बहुत एक रेगुलर फिनोमिना है कि लोग अपना एड्रेस काफी फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं, उसका कोई भी रीजन हो सकता है एड्रेस चेंज करने का। और जब ये नोटिसेस सर्व नहीं होते या नोटिस सर्व हो जाने के बाद वो पार्टीज रिस्पॉन्स नहीं करती, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर नॉन सर्विस ऑफ द नोटिस को लेकर के या उन पार्टीज के अगेंस्ट बिना कोई एक्शन लिए असेसिंग ऑफिसर उस असेसी के अगेंस्ट एक नेगेटिव व्यू बना लेते हैं जिसके पास ट्रांजेक्शंस हुई होती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उन एडिशंस का क्या फेट होता है, यह मैटर कोलकाता आईटीएटी की ए बेंच के सामने आयरिस क्लोथिंग लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में सामने आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, केस 110 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 266 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 2 जनवरी 2024 को आया। प्रेजेंट केस में असेसी को नोटिस इशू किया गया, असेसमेंट ईयर 13-14 का केस था। असेसी ने 12 पार्टी से, अलग अलग पार्टी से टोटल अमाउंट 3.4 करोड़ रुपीस का लोन लिया था। असेसी ने उस पर बकायदा इंटरेस्ट पे किया था, 17.85 लाख का टीडीएस काटा था और बाद में वो लोन रीपे भी हो गए थे। रेवेन्यू के पास ये इंफॉर्मेशन थी कि कुछ एंट्री ऑपरेटर्स के यहां सर्च हुई, उनके बेसिस पर स्टेटमेंट्स ली गई और असेसिंग ऑफिसर ने उन स्टेटमेंट्स का आधार बनाते हुए ये एलिगेशन लगाया कि असेसी ने पेपर कंपनी से ट्रांजेक्शन की है। अपने असेसमेंट ऑर्डर में पूरे मोडस ऑपरेंडी को बताया कि बोगस ट्रांजेक्शन कैसे ली जाती हैं और जनरलाइज एलिगेशन लगा करके असेसी का एडिशन कर दिया। असेसी ने अपने सारे दस्तावेज सबमिट किए थे, बैंक स्टेटमेंट सबमिट की थी, बैलेंस शीट सबमिट की थी, मेमोरेंडम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन उन क्रेडिटर्स का सबमिट किया था, कंफर्मेशन सबमिट की थी। बिना उन डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी निकाले बिना असेसिंग ऑफिसर ने खाली सेक्शन 133 सब सेक्शन 6 का नोटिस उन 12 पार्टीज को इशू किया। 6 नोटिस सर्व हो गए, 6 नोटिस सर्व नहीं हो पाए और खाली इस चीज को आधार लेते हुए असेसिंग ऑफिसर ने असेसी का 3.4 करोड़ और 17.85 लाख जो कि इंटरेस्ट था उसका एडिशन कर दिया। जब यह मैटर सीआईटी अपील के पास पहुंचा तो सीआईटी अपील ने भी उन एडिशंस को कंफर्म किया और जब असेसी ने ट्रिब्यूनल में अपील की तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में जब असेसी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे चुका है तो अब बर्डन असेसिंग ऑफिसर पर शिफ्ट हो जाता है कि असेसिंग ऑफिसर फर्दर इंक्वायरी करे, इन्वेस्टिगेशन करे कि वो ट्रांजेक्शंस जेन्युइन है या नहीं। खाली एक एंट्री ट्रांजेक्शंस की मोडस ऑपरेंडी को असेसमेंट ऑर्डर्स में एक्सप्लेन कर देने से असेसिंग ऑफिसर का बर्डन शिफ्ट नहीं होता असेसी पर। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि प्रेजेंट केस में यह असेसिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी थी कि असेसिंग ऑफिसर जिन पार्टी से ट्रांजेक्शंस हुई हैं, क्रेडिटर से ट्रांजेक्शन हुई है उनको एग्जामिन करता और यदि जरूरत है तो उन पार्टीज के अंदर एडिशन करता, ना कि असेसी के केस में। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था
कि जो स्टेटमेंट्स होती हैं यदि वो कोरोबरेटिव एविडेंस से सपोर्टेड नहीं होती तो ऐसी परिस्थिति में उनकी एविडेंट्री वैल्यू नहीं होती, और ये कहते हुए ट्रिब्यूनल ने असेसी की एडिशंस को डिलीट किया। तो फ्रेंड्स, इस केस से जो एक निष्कर्ष निकल के आता है वो ये आता है कि रेवेन्यू खाली स्टेटमेंट्स के आधार पर या खाली इस आधार पर कि सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 के नोटिसेस सर्व नहीं हुए, खाली जनरलाइज्ड एलिगेशंस लगा करके एसएससी की एडिशन नहीं कर सकता। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है आयरिस क्लोथिंग लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 110 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 266 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कोलकाता आईटीआईटी की ए बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 2 जनवरी 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।